जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने नजारत अनुभाग, स्थापना अनुभाग, संग्रह अनुभाग, भूलेख अनुभाग, सिलिंग अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार, मालखाना, कई पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रावली एवं अभिलेखों को गहनता पूर्वक देखा एवं समस्त दस्तावेज अध्ययन किए जाने के निर्देश दिए। स्वच्छता व्यवस्था, अभिलेखों का रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा, लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही सीसीटीवी लगवाए जाने के निर्देश भी संबंधित को प्रदान किए। संयुक्त कार्यालय के पटलों का भी जिलाधिकारी ने एक एक करके निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड अध्ययन कराते हुए व्यवस्थित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थित पंजिका का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उपस्थित पंजिका पर कई कर्मचारी नदारद पाए गए। सीतापुर से दैनिक भास्कर के लिए हरिओमस्ते की रिपोर्ट। सर, आज कलेक्ट्रेट परिसर का आपने निरीक्षण किया है, क्या सर कमियां पाई और क्या दिशा निर्देश दिए सर? देखिए, कलेक्ट्रेट परिसर का मैंने विस्तृत रूप से निरीक्षण किया, तो कुछ कुछ पटलों पे कमियां पाई गई थी, जहाँ पे फाइनों का रखरखाव सही से नहीं था, तो उसके लिए मैंने निरीक्षण किया है और उसको हम लोग फिर से 5-6 दिन के बाद निरीक्षण करेंगे। उनको मौका दिया गया है कि 5-6 दिनों के बाद इसका पुनः अच्छे से करा लें ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके।